Your logo is actually a weapon to attract things you want in your life. Incidences, people, challenges, and prosperity, all those things can be attracted through a logo. दोस्तों मेरा नाम है सुधीर कोवे, मैं ग्राफोलॉजिस्ट और सिंबोलॉजिस्ट हूं। मैं आपके लोगो को चेंज करके आपकी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर सकता हूं जिसके आपको चाहत है। लोगो ये एक यंत्र है। आपने देखा रहेगा पास्ट में कि काफी सारे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या आपको लगता है कि मूर्ति में कुछ है? या कई जगह पे यंत्र लगाया गया है, क्या आपको लगता है यंत्र में कुछ है? यस, वो यंत्र है आपके शरीर में उस एनर्जी का प्रवाह करने के लिए जो वो मूर्ति रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा ब्रह्मा, ब्रह्मा इज मंत्र द क्रिएटर, विष्णु, विष्णु इज द मेंटेनेंस ऑपरेटर, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी इज द पर्सन हु विल गिव यू लॉट ऑफ वेल्थ, कुबेर, कुबेर इज द पर्सन हु विल मेंटेन योर वेल्थ। ऑल दोस थिंग्स आर सिंबलिज्म एंड द मोमेंट यू यूज देयर आइडल, द मोमेंट यू यूज देयर मूर्ति, इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेयर इन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दोस थिंग्स। ये ट्रेडिशन में बहुत पहले से है। उस जमाने में, जिस जमाने में हम लोग कंपनीज फॉर्म नहीं करते थे, कॉर्पोरेट्स फॉर्म नहीं करते थे, किसी भी तरह का लॉ और लेजिस्लेशन नहीं रहता था, जहां पे लोगों का कांसेप्ट नहीं था, उस जमाने में हम लोगों ने इस तरह की चीजें यूज करके चीजों को अट्रैक्ट किया, मंत्र का यूज किया। मंत्र इज अगेन व्हाट, मंत्र इज अगेन द वर्बल फॉर्म ऑफ यंत्र, वेरी डीप, यू अटर अ मंत्र इट एक्टिवेट्स योर एनर्जी। अगर इसी यंत्र की टेक्निक को अगर समझ के हम लोग अपने लोगों में यूज करेंगे तो हम लोग वो चीज जो हमको चाहिए उसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले इस वीडियो की सीरीज में हम लोग आपको एक अलग अलग यंत्र, मतलब कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले। फॉर एग्जाम्पल स्वस्तिक, we keep on drawing swastika all the time whenever we want to do something good. The reason being swastika is a symbol of new creation. तो हमने पास में से काफी सारे सिंबल्स को consciously या unconsciously यूज किया है और करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, अब हम consciously अपना लोगो बना रहे हैं। ये तो पता नहीं है कि लोगों के बीच का साइंस क्या है, बट जस्ट बिकॉज वी लाइक इट वी मेक इट। अब लोगो की जरूरत क्यों है? लोगो आपके पहले आपकी कंपनी के बारे में बात करता है। It communicates what you are to the people without, before you speak about your company. And if you are making a logo without being aware about the science, you are making things accidental for you. You are not planning what exactly you should get, but it's accident for you. जैसे कि एक example मैं आपको दूंगा, वीडियो कॉल। आपने देखा रहेगा कि 10 साल पहले उन्होंने एक लोगो चेंज किया। पहले उनका जो लोगो था वो ब्लैक कलर का था, ब्लैक एंड व्हाइट, और अभी का जो लोगो, करंट लोगो है, वो ग्रीन कलर का है। तो अगर आपने पास के लोगों में देखा तो आपको दिखाई देता है कि उसका जो भी है, वीडियो कॉल का भी, उसमें एंगल है। तो एंगल का मतलब होता है शार्पनेस, एंगल का मतलब होता है गुड अंडरस्टैंडिंग। सो इन द पास्ट दे हैड लॉट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू पिच द प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एंड इन द राइट सेगमेंट। द मोमेंट दे चेंज्ड देयर लोगो द एंगल वाज गॉन, the angle was replaced by the curve. The moment curve is there instead of angle, your understanding becomes good, you become more feminine. So what is a feminine? Feminine means the person who will appreciate beauty. Feminine in the sense the person who will appreciate the understanding, aesthetics. So their product became very beautiful. So over the period of time, what happened? That they lost the sense of understanding of the market, and in last 10 years, they suffered the loan of 40,000 crores. In last 10 years, and they could not repay it, so company became the bankrupt. The moment they had angle in their logo, all employees were alert, CEOs, boss, directors, everybody was sharp. When they changed to curve, over the period of time, their mindset got become a different. Now they are become soft. चलता है attitude आ गया, casual हो गए, और धीरे 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 उनके लोन्स बढ़ते गए। इफ यू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ बैलेंस शीट दे हैड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैजुअल एटीट्यूड, दे स्टार्टेड टू बिकम कैजुअल अबाउट चल जाएगा, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अब आप दूसरी तरफ अगर देखो तो पहला जो लोगो है उसमें सब चीजें कनेक्टेड है, और ये जो दूसरा लोगो हमने बनाया है उसमें क्या होता है, आधा भी बनाया और उसके बाद गैप और दूसरा भी बनाया,
So whatever they were doing in the first logo was coherent, सब कुछ बना हुआ था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था. अब जो दूसरा लोगो है उसमें क्या है, आधा चीज हुई है और दूसरी चीज चालू हो गई, कुछ तो भी अलग ही जो पहले से जुड़ी नहीं हुई थी. तो पिछले 10 साल में कंपनी ने ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंचर करना चालू कर दिया जिसका उनके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं था. दैट वाज अनदर रीजन ऑफ देयर डाउनफॉल. द रीजन बिहाइंड इट इज द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल थॉट एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लोगो. तो जो गैप था ये दर्शाता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में और एक नई चीज चालू होने में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं लोगों में जो शायद आपको पता ही नहीं, आप देखते भी नहीं हो, इन्हीं चीजों को देख के हम जो एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या होगा, आपकी कंपनी कैसे चलेगी, किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह का मैन पावर आएगा, क्या वो बर्ताव करेंगे, आपके साथ क्या घटनाएं घटेगी. ये सब चीजें हमको इस तरह के एनालिसिस से समझती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसी सिंबल की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से आपके लाइफ में एक्चुअल में ये सब चीजें होना अनिवार्य है. तो गाइस दिस वाज अबाउट व्हाट इज लोगो, व्हाई लोगो इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इंपैक्ट्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन, योर माइंडसेट एंड एवरीथिंग. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, सिंबलिज्म के बारे में, लोगो के बारे में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए. हम एक बेहतरीन सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग यूनिक सिंबल्स को एनालिसिस करेंगे, यूनिक सिंबल्स के बारे में आपको बताएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से लोगो बनाया जा सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका मीनिंग क्या है. और आप इन सब जानकारी को यूज करके अपनी लाइफ में अलग अलग सिंबल्स यूज करके अलग अलग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. वंस अगेन गाइस, मायसेल्फ सुधीर कोवे, आई एम ग्राफोलॉजिस्ट सिंबोलॉजिस्ट हु आर गोइंग टू टीच यू about subconscious mind's language. Thank you very much.